तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अर्निंग इज ब्लॉगिंग में। और ये वीडियो होने वाली है दूसरी सीरीज़ की, दूसरी वीडियो होने वाली है जिसमें बताऊंगा मैं एक स्टोरी को सेटअप कैसे करना है और आप किस तरीके से काम कर सकते हो मेक स्टोरीज पर। इंस्टेंट आर्टिकल और पब्लिशर सेंटर इसी वीडियो में कवर होगा, क्योंकि ये वीडियो दोबारा से सीरीज़ की दूसरी वीडियो और ये बड़ी होने वाली है। तो आपको सारा कुछ डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी। और सबसे जो मेन बात है इस वीडियो में, उसको क्या करना है, हमें मेक स्टोरीज को इन तीनों चीज़ों से, इंस्टेंट आर्टिकल और आपका जो पब्लिशर सेंटर है उससे कैसे लिंक करना है। और एक और हमने चीज़ बताई थी कि रैंक मैथ में जो स्कीम है वो बंद क्यों करना है। तो ये तीन चीज़ें इसमें कवर होंगी और मेक स्टोरीज भी सेटअप होगा। उसके बाद हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में कि उसके बाद वेब स्टोरीज और एडसेंस का क्या सीन रहेगा, ठीक है, बनाने का और एडसेंस अप्रूव करवाने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मेरे पीसी की स्क्रीन पर। मेरा नाम है श्याम कौशिक, आप देख रहे हैं अर्निंग विद ब्लॉगिंग। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने क्या क्या चीज़ एक डोमेन को कैसे सेटअप करना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो बताया था। इस वीडियो में हम मेक स्टोरेज को सेटअप करके दिखाएंगे आपको, पब्लिशर सेंटर है जो आपका वो आपको करके दिखाएंगे, कैसे आप न्यूज़ के लिए अप्लाई करोगे, और जो तीसरा स्टेप है इंस्टेंट इंडेक्सिंग का वो इस वीडियो में कवर होगा। तो ये वीडियो अगेन लंबी होगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें आएंगे। और उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को क्यूरियसिटी रहती है कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसमें स्टेप ये वाला मिस हो गया, ये वाला मिस हो गया, तो वो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई करूँगा सबका। ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबका रिप्लाई करूं ताकि सबको उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। और जैसे कि आज संडे हो चुका है तो कल मंडे है, और कल हम करेंगे एक लाइव शाम को 7 बजे इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद। ये वीडियो मेरे ख्याल से या तो दोपहर को 1 बजे आनी चाहिए या फिर शाम को 7 या 6 बजे के आसपास आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने मेक स्टोरीज का प्लगइन यहाँ पर कर लिया, मेगा मिलियन क्लब हम ये कर रहे हैं डोमेन यूज़। तो इसमें आपको दिखाएंगे हम सारी चीज़ें। तो हमने किया इसमें सबसे पहले मेक स्टोरीज को, इंस्टेंट इंडेक्सिंग इसमें हो गया, और पब्लिशर सेंटर चाहिए। तो सबसे हम मेक स्टोरीज ही करते हैं, तो मेक स्टोरीज में साइन अप कर लेते हैं पहले। ये जो डोमेन सेटअप है न्यू अकाउंट में वो थोड़ा सा इसमें दिक्कत करता है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मेक स्टोरीज के लिए साइन अप करना है। जो साइन अप का प्रोसेस है वो यही है, सेम यहाँ साइन अप करोगे और उसके बाद आप ईमेल या गूगल या किसी भी चीज़ से साइन अप कर लोगे। तो साइन अप के लिए मैंने पहले ही अकाउंट बना लिया था, तो मैं इसे डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे और यहाँ से डायरेक्ट इसे अप्रूव कर देंगे। यहाँ से अप्रूव का ऑप्शन आ गया, तो हम जैसे ही इसे अप्रूव कर देंगे ना, उसके बाद क्या होगा, हमारी वेबसाइट के अंदर भी ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये उससे क्या होगा कि आप यहाँ से भी बना सकते हो अपने वेब स्टोरेज, और यहाँ से मेक स्टोरेज के वेबसाइट से भी बना सकते हो। तो ये थोड़ा एक प्लस पॉइंट है। तो अब हम क्या क्या करना है हमें, कि ये कहेगा डोमेन वेरीफाई करो, ठीक है। तो अभी हम पहले क्रिएट करके देखते हैं स्टोरी, ठीक है ना। ये जस्ट मैं सेटअप का बता रहा हूँ अभी, क्योंकि सेटअप का मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कई लोगों को सेटअप में भी दिक्कत आती है ना, तो जो भी दिक्कत आएगी वो इसमें कवर हो जाएगी। तो मैं एक वैसे डेमो के लिए कोई भी स्टोरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको ऐड सेट कर रहा हूँ और पब्लिश करके दिखाऊंगा कि पब्लिश कैसे होगी और पब्लिश के लिए क्या ये मांगता है। तो ये तो डायरेक्ट यहाँ से हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको पब्लिश कर सकते हो, जैसे मैं पब्लिश करके दिखा देता हूँ। तो इसने बिल्कुल भी मुझे कोई भी डोमेन वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला, आप डायरेक्ट आ सकते हो। और ये देखो, ये वाला जो बग है ना गाइस, ये बहुत लोगों के साथ होता है। इसमें क्या होता है कि आपको ना यहाँ से कैटेगरीज ऑन करनी पड़ती है, ये कहीं थीम्स के साथ होता है और होस्टिंग के साथ भी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब जैसे ही हम इसे कर देंगे ना, तो जो नोट फाउंड है ना, ये देखना स्टोरी चल जाएगी, ठीक।
ठीक है, तो एक तो मैंने ये चीज़ भी इसमें कवर कर दी जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि अगर इस तरीके का बग आए तो कैसे होगा। और ये देखो, वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज, अगर आप यहाँ से ही बना रहे हो, अगर आप यहाँ से करते हो ना, ये देखो अब मैं यहाँ से भी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कि अगर आप मेक स्टोरीज के प्लगइन से, प्लगइन कह रहा, वेबसाइट से डायरेक्ट करोगे ना, तो वहाँ तो डोमेन वो मांगेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने यहाँ डोमेन नहीं दिया ना इसको, तो ये सारा टाइम यही कहेगा कि डोमेन कनेक्ट करो, डोमेन वेरीफाई करो, ये करो वो करो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से बनाओगे तो वहाँ पे कोई डोमेन वेरीफाई के लिए नहीं बोलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है वहाँ से करने के लिए। देखो यहाँ से पब्लिश करके दिखाओ, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम आएगी, ये देखो। ये चीज़ हमें, हमारे पास चॉइस है गाइस ये, और ये मैं कह रहा हूँ कि ना करो तो सही है क्योंकि ज़्यादा सिर दर्दी है इस चीज़ में, लेकिन मैं ये फिर भी करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से ऐड डोमेन पे क्लिक करना, यहाँ पे अपना डोमेन का नाम डालना, जैसे हमारा नाम है मेगा मिलियन, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने उठाया, डाला, यहाँ पे डाल देते हैं HTTPS, प्लीज एंटर वैलिड डोमेन गाइस, येलो जी, हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सब डोमेन नहीं करना, हमें रिवर्स प्रॉक्सी लगानी है, पाथ है वेब स्टोरीज, प्रोसीड। अब ये सेटअप हो रहा है गाइस, देखते हैं कितनी देर लगाता है। तो ये बन गया, ये चीज बन गया इसकी एंड पॉइंट रिवर्स प्रॉक्सी में। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से होगा। पॉइंट ऑल ट्रैफिक फ्रॉम दिस, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। तो गाइस जो वेबसाइट से अगर आप करते हो तो वो मेरे ख्याल से बेनिफिशियल ज़्यादा रहता है, यहाँ से मैं करता ही नहीं हूँ कभी भी क्योंकि तो थोड़ा हैप्टिक रह जाता है, और इसमें कुछ वो करने की ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं रहता, मुझे तो दिखा नहीं आज तक कभी फ़ायदा। ये पब्लिश तो आप वेबसाइट से कर सकते हो, तो वो इजीली हो जाता है। तो आप ये वाली चीज़ तो आप स्किप कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। से यहाँ से करा प्रोसीड, प्रोसीड। अब ये कह रहा न्यू स्टोरी पब्लिश, यहाँ से भी पब्लिश हो गया देखो, क्योंकि मैंने वहाँ से पहले ही कर दिया था। तो कुल मिला के आपको ये वाला स्टेप करना है, करो, नहीं करना ना करो, ये ऑप्शन है, लेकिन आप यहाँ से ये कर दो कैटेगरीज को वो करके, अगर आप कह रहा है कोई भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला कि मेक स्टोरीज सेटअप कैसे करनी है। अब मेक स्टोरीज बनाएंगे कैसे, वो सब आपको मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मेक स्टोरी सेटअप करने के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, आपका पब्लिशर सेंटर सेटअप करना है, और उसके बाद हमें इंस्टेंट इंडेक्सिंग सेटअप करनी है। तो अब हम सब इसके बाद चलते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे, ठीक है। अब इंस्टेंट इंडेक्सिंग में क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारे रैंक मैथ में आना है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग हमें आना है, और यहाँ से स्कीमा वगैरह तो हम ऑफ कर चुके हैं पहले ही, हमें आना है इंस्टेंट इंडेक्सिंग में। तो ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग यहाँ से, ठीक है, गूगल API में आना। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ भी, यहाँ पे एक जेसन फाइल मांग रहा है ना। तो अब हम क्या करना है, गूगल डेवलपर कंसोल, इसमें जाना है आपको। तो यहाँ से आपको एक जेसन का एक की मिलेगी जो गूगल डेवलपर के कंसोल की होती है, वो डायरेक्ट गूगल के सर्वर
सर्च इंजन से होती है कनेक्टेड, तो यहाँ से आप डायरेक्ट एपीआई के थ्रू अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हो, वो भी गूगल के सर्वर से। जी हाँ ठीक है जी, तो यहाँ से हम नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। स्टेप बाय स्टेप देखना, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट बनाया, मेगा मिलियन। ठीक है जी, तो मेगा मिलियन हमने बना लिया, यहाँ से नया प्रोजेक्ट है जो अब यहाँ से हम एंटर कर लेंगे ऊपर से। ओपन, यहाँ से अब जाना है डैशबोर्ड में। सबसे पहले मैं क्या कर रहा है, की जनरेट करनी है, तो की अब हमारी कहाँ से होगी, डैशबोर्ड से जाके गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग। अब हमें जाना सर्च कंसोल में सबसे पहले, क्योंकि हमने वेबसाइट ऐड करी थी सर्च कंसोल में, शायद करी थी शायद नहीं करी थी, एक बार देख लेते हैं। नहीं हमने की नहीं, तो हम ऐड कर लेते हैं एक बार सर्च कंसोल में। ये सर्च कंसोल में वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, आपको HTML टैग डाल लेते हैं हम पहले, कि कुछ गड़बड़ ना हो बाद में। डिस्कवर द अंडरस्टूड। तो गाइज अगर आपको ये स्टेप्स आते हैं तो नीचे कमेंट कर देना कि आपको सर्च कंसोल को सब वो करना आता है, सेटअप करना आता है, और इसको भी सेटअप करना आता है, एनालिटिक्स को भी। अगर नहीं आता है तो वो नीचे कमेंट कर देना, मैं वो भी जीए कोड वगैरह सब कुछ बता दूंगा उसमें नेक्स्ट वीडियो जो आएगी। तो हमने अब कर लिया, ठीक है, अब इसको सर्च अकाउंट करना है और यहाँ से कर लेना वेरीफाई सबसे पहले। तो ये हो गया वेरीफाई हमारा, ठीक है, हो गया हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। अब हमें करनी है की जनरेट, तो यहाँ पे कर लेते हैं मेगा मिलियंस, तो ये कॉपी कर लो, इसको जनरेट कर लो, सारा कुछ डन कर दो। अब यहाँ से हमें की जनरेट करनी है, तो सबसे पहले की जनरेट करते हैं और ये कर लेंगे डाउनलोड हम जेसन फाइल में, ठीक है। ये सिंपल स्टेप था। अब जो हमने मेल आईडी वहाँ से मिली है ना, देखो ये वाली, ये डिटेल्स में जाओ, गूगल के भी सर्वर धोखे दे जाते हैं, देख लो। तो डिटेल्स में दिखाएगा ना आपको, एक ईमेल आईडी दिखाएगा नीचे, ये वाली देखो, ये @MegaMillion। तो अब इसको कर लेना यहाँ पे ओनरशिप में ऐड, सारे ही गूगल के हो गए थे एकदम, ठीक है जी। तो सेटिंग में जाइए, यूज़र एंड परमिशन, और ध्यान रखिए जब तक आपकी की जनरेट नहीं होगी तब तक आप ओनर नहीं बना सकते इसको। हो गया यहाँ से, अब जेसन की अपनी वेबसाइट में कर दो अपलोड, यहाँ पे जो अभी डाउनलोड किया हमने। डन, सेव चेंजेस। अब एक लास्ट स्टेप रह गया जो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि आपकी इंस्टेंट इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गया या नहीं। तो पब्लिश यूआरएल पे क्लिक करोगे और सेंड टू एपीआई, ये आ गया 403 एरर। तो अब इसको क्या करना है, इसको कॉपी करो। ये सारे स्टेप आप जब कर रहे होगे तो वीडियो देखते देखते भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, स्टॉप करते करते हैं, क्योंकि मैंने सारा कुछ ये स्टेप बाय स्टेप ही बताया आपको। और यहाँ से कर देना इसको अनेबल, बस आपका इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑन हो जाएगा, एकदम इंस्टेंट होए करेगी इंडेक्सिंग 5 मिनट के अंदर अंदर।
आ गया अनेबल, करो जी अनेबल। तो ये जैसे ही अनेबल हो जाएगा, अब हमें दोबारा इंस्टेंट इंडेक्स की में आना है और सेंड टू एपीआई करके देखना है, और ये सक्सेस। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, मेक स्टोरेज मैंने सेटअप करना बता दिया है, दूसरा स्टेप हो गया इंस्टेंट इंडेक्सिंग। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप पे, जो कौन सा है बताओ, पब्लिशर सेंटर वाला। ठीक है जी, तो अब हम पहले इसको इसके फीड निकाल के रख लेते हैं। पब्लिशर सेंटर, तो हमने क्या करना है, पब्लिशर सेंटर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, ऐड पब्लिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे पाना है अपने पब्लिकेशन का नाम, मेगा मिलियंस। और ध्यान रहे, जो ये हम पब्लिकेशन कर रहे हैं स्टार्ट, इसमें क्या करना है हमें, जब तक हमारे 5 से 10 पोस्ट ना हो उससे पहले नहीं करना। मैं तो आपको ये साथ के साथ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अप्रूव नहीं होगा उसके बाद। इसको कर दो यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये चीज जरूरी है आपकी। चलो अब इसको करते हैं हम सारे स्टेप्स को। तो सबसे पहले मैं बाहर से ही दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हमने पब्लिकेशन सेटिंग करनी है यहाँ से, उसके बाद बाकी के स्टेप बताऊंगा। प्राइमरी इंग्लिश है हमारी जी, ये आ गई इंग्लिश। लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स, वेरीफाई कर लो सर्च कंसोल से, वेरीफाइड ओके। यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, प्रोवाइड द यूआरएल ऑफ कंटेंट सोर्स, ऐड कर लो। यहाँ से अपनी जीमेल दे दो, जैसे मैं दे देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट एंड टेक्निकल के लिए ऐड कर दो इसको, और इसको कर दो सेव। ये सारी डिटेल्स हो गई अब सेव। अब अगली चीज़ पे आए, विजुअल स्टाइल। तो विजुअल स्टाइल क्या है, ये है कि आपका जो पब्लिकेशन है गूगल न्यूज़ में वो किस तरीके से दिखेगा, क्योंकि गूगल न्यूज़ भी गूगल का ही प्रोडक्ट है और वो गूगल की एपीआई से कनेक्ट है। तो इंस्टेंट इंडेक्सिंग और गूगल एपीआई जो गूगल न्यूज़ की है, जो वो दोनों साथ में काम करेगी, तो हमारी इंडेक्सिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमें आगे इन फ्यूचर काम आएगी, ये इस जो गूगल न्यूज़ को प्रूव करवाने का मकसद है। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए लोगो बनाना है कैनवा से। तो हम पहले बना लेते हैं, क्योंकि लोगों का साइज़ थोड़ा अटपट है इसका, तो हम क्या करेंगे, कैनवा से बनाएंगे। देखो सबसे पहले 512x512, 512x512, और उसके बाद है 200 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, रिकमेंडेड वैसे 40 पिक्सल है। तो हम 512 और 512 की बना लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं दूसरी आईडी से देख लेता हूँ, हाँ इसमें लॉग इन है, तो मैं यहाँ से बना देता हूँ। कस्टम साइज लेना है 512x512। ठीक है जी, तो ये हमारी सबसे पहली हो गई है लोगों के लिए। कोई भी इमेजेस उठा लेनी है गूगल से, जैसे मैं अपने नीच से रिलेटेड उठा रहा हूँ, ये वाली उठा लेते हैं, ये नहीं, ये वाली ठीक है, नीचे वाली ये स्क्वायर में है ना, थोड़ा सही रहेगी। अब इसको सीधा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कहाँ गई, ठीक है, होगी पेस्ट।
से करना शेयर? इसको ले लेते हैं हम PNG में ही। ये हमारा हो गया फर्स्ट लोगो रेडी। यहाँ से था ऐड स्क्वायर लोगो, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको ऐड, डन। अब हो गया हमारा दूसरा, दूसरा है 400 बाय 20, 40 ले लेते हैं हम, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ऐसा आया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, मेगा और मिलियन को अलग अलग कर देते हैं थोड़ा काट के ना। ये तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी तुम्हारी वेबसाइट का नेम होएगा ना, ठीक है। मैं इसे यूं कर देता हूँ, या फिर यूं डायरेक्ट ही कर देते हैं बस थोड़ा सा, या हमें तो दिखाना ही है बस। और ये अप्रूव होएगी देखना आप, मैं दिखा दूंगा आपको जैसे ही इसका अप्रूवल का मेल आ जाएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया अपना, ये अपना रिकमेंडेड वाला कर देते हैं आप, ठीक है। एक इमेज ये होगी, लाइट थीम के लिए भी चाहिए और डार्क के लिए भी, तो हम दोनों के लिए सेम ही दे देते हैं। हो गया, अब इसको कर दो सेव। तो ये हमारा हुआ अभी पब्लिकेशन वाला काम, अभी मेन काम हमारा रह रहा है। अब मेन काम है जो हमारा, बैक आइए, अभी गूगल न्यूज़ पे क्लिक कीजिए, एडिट पे क्लिक। अभी यहाँ से थोड़ा सा मेन काम हमारा स्टार्ट होता है, कैटेगरीज एंटरटेनमेंट इन न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स कर दो, ठीक है। हम उस चीज़ के बारे में न्यूज़ दे रहे हैं ना, यहाँ पे कर दो थोड़ा सा बता दो, मेगा मिलियन इज द जैकपॉट स्टेट्स एंड यू कैन प्ले इट इन USA, वी कवर इसे सेव कर देना। अब आएंगे हम कंटेंट पे, तो कंटेंट में हमें फीड्स डालनी है जो हमने पहले जनरेट करके रख रखी हैं। कनेक्शन फीड लेटेस्ट या फिर मेगा मिलियन न्यूज़, MM न्यूज़ नहीं, टाइटल सेम रहना चाहिए, मेगा क्लब, क्योंकि ये वाली चीज़ है ना जो ये बाद में दिक्कत करती है, इसकी वजह से रिजेक्ट भी हो जाता है। तो बस यहाँ से जैसे ही हम पोस्ट डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी जो नो नो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे अपना नाम, मैंने नाम डाल दिया और फाउंडर लिख देते हैं, ACRP लिख देते हैं, से सबमिट। तब जैसे ही यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा तो हम इसे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा काम आज का, जो था गूगल न्यूज़। अब जैसे ही मैं इस पे कंटेंट डालना स्टार्ट करूँगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कंटेंट शो करने लग जाएगा। और उसके बाद इस जो ये चीज़ है, मैं आपको पूरे पूरे 1 वीक के बाद दिखाऊंगा, जैसे ही मैं उस पे कंटेंट डलवाऊंगा वेबसाइट पे, तो उसके बाद यहाँ पे भी इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको पब्लिश करके आपको दिखाऊंगा कि गूगल न्यूज़ पे अप्रूवल मिल चुका है। तो मेरे ख्याल से गाइस इतना वीडियो में बहुत है आज के लिए, क्योंकि इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं और आपको थोड़ा
सीखने में समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो थोड़ा और डीपली होगा और उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा बताऊंगा मैं कि वेब स्टोरेज क्रिएट कैसे करनी है, स्लाइड्स कितनी रखनी है, एनिमेशन कितना देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उस वीडियो में कवर होगी। तो होप गाइस सेकंड वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें हमने जो जो कवर किया वो आपको समझ आया होगा। जैसे ही ये कोर्स कवर होगा या फिर हम बीच बीच में जिन जिन के पास ट्रैफिक आ रहा है वेब स्टोरीज से हमारे बताए गए तरीक़ों से या फिर पहले से ही आ रहा है, तो उनके हम वेब स्टोरीज का रिव्यू करेंगे जैसे कि मैं बता चुका हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप भी अपनी वेब स्टोरी को रिव्यू करवा सकते हैं हमारे चैनल पर आकर। इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा और लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा कि वो किस तरीके से काम करें और क्या क्या वो मिस्टेक ना करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ उस वीडियो में फिर सीखने को मिलती है लोगों को जितना ज़्यादा आप डिटेल में उस चीज़ को बताते हो, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइज इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ये वाली सीरीज़ वेब स्टोरीज के कोर्स को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी कुछ कवर हो रहा है जो कि औरों ने मतलब कि नहीं बताया पूरी एक सीरीज़ के तौर पर। तो थैंक यू गाइज, बाय।